गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 3.2. आई हैव सेंड यू द PDF ऑफ 3.2 प्रीवियसली. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 3.2. व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर. दे आर आस्किंग द सम ऑफ, सम मतलब हमको ऐड करना है दो ऑड नंबर को और दो इवन नंबर को. सो दो टू इवन नंबर ऑड नंबर, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, दे आर आस्किंग ऑड नंबर. सो द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन नंबर. हाउ, आई विल बी शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सी, वी हैव टू टेक टू ऑड नंबर. सो आई हैव टेकन टू ऑड नंबर 5 and 3 एंड वी हैव टू डू द सम. सो हम इसको ऐड करेंगे, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8. तो इवन आ गया, 8 क्या है, इवन. तो सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर. ये दो ऑड नंबर है, इनका सम इवन नंबर है. ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लो, दो ऑड नंबर लिए मैंने, एक 15 लिया और एक 13 लिया. उसका सम करेंगे, 15 + 13 करो, चलो 15 + 13 5 + 3 8 1 + 1 2. सो 28. 28 क्या है, इवन नंबर है. इवन नंबर और ऑड नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सो 28 इज इवन. द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन. नाउ बी पार्ट वॉज इवन नंबर. हमको व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, दे आर आस्किंग सम ऑफ एनी टू इवन नंबर क्या होगा. तो द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर. ओके, ऑड नंबर को भी ऐड करें तो क्या आ रहा था, इवन नंबर. और इधर इवन नंबर को भी ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, इवन नंबर. एग्जांपल के थ्रू देखो, 2 + 8 दोनों इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है. सो 2 + 8 विल बी 10. 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा. देन एक और एग्जांपल देख लो, 12 + 28 12 इज ऑल्सो इवन, 28 इज ऑल्सो इवन बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 2. सो इट इज इवन. वेन वी विल ऐड 12 + 28 2 + 8 10 1 carry on 1 + 1 2 2 + 2 4. सो आ गया 40 भी इवन है. सो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में इनने बोला है ट्रू और फॉल्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. अभी ये बोल रहे हैं सम ऑफ 3 ऑड नंबर. अभी 3 कोई भी ऑड नंबर ले रहे हैं, सम मतलब ऐड करना होता है. सो ये देखो, 3 ऑड नंबर लिए हैं, 7, 9 and 5. इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 21. सो 21 भी ऑड है. तो इनने क्या बोला, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. सो इट विल बी फॉल्स. नाउ सेकेंड बी क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर. द सम ऑफ 2 ऑड नंबर मतलब दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे एंड 1 इवन नंबर इज इवन. दो ऑड नंबर लेंगे, एक इवन नंबर लेंगे. सो उनको ऐड अप करेंगे तो बोल रहे इज इवन. आंसर इवन आ रहा है. ऑड नंबर लिए इनने 3 + 5 ये दोनों ऑड है, प्लस एक इवन लेना है तो एक 8 लिया है. सो आंसर इज 16. 16 इज इवन और ऑड, इट इज इवन. सो इट इज ट्रू. द स्टेटमेंट इज ट्रू कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन. सो राइट, इट इज ट्रू. नाउ सी क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. प्रोडक्ट मतलब इनटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है हमको. प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, दे आर आस्किंग मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो. 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर लिए, पहला लिया है 3, दूसरा लिया है 7, तीसरा लिया है 9. तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 189. और ये भी ऑड है. तो क्वेश्चन क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. सो ट्रू. 3 7 क्या होता है, 21. 21 इंटू 9 करो, 9 1 9, 9 × 2 9 2 18. सो दिस वे 189 इट हैज़ केम. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड. ये बोल रहे हैं अगर एक इवन नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका क्वेश्चन ऑड होगा. देखो 2 को इवन नंबर से डिवाइड किया है, इवन नंबर मैंने लिया है 8, तो ये ऑड आ रहा है क्या इसका क्वेश्चन, नो, ये तो 4 आ रहा है और ये तो इवन है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ ई, दे आर सेइंग ऑल प्राइम नंबर आर ऑड. ई में क्या बोल रहे हैं, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, इट इज़ ट्रू और फॉल्स. सो इट इज़ फॉल्स. क्यों,
क्योंकि टू इज़ अ प्राइम नंबर बट इट इज़ ऑल्सो इवन नंबर. टू प्राइम नंबर भी और वो इवन नंबर भी, और तो नहीं है. तो इस स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. नाउ F, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर. दे आर आस्किंग प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, तो ये भी फॉल्स है. क्यू, वन एंड द नंबर इट सेल्फ आर फैक्टर ऑफ द नंबर. सो फैक्टर हुए ना वन, और वो खुद ही जो नंबर है. सो प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, फॉल्स. वो फैक्टर होता है प्राइम नंबर का, वो नंबर खुद और वन. नाउ सेवन जी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन. सम ऑफ टू प्राइम नंबर इवन होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. प्राइम नंबर ले लो टू एंड फाइव, सो टू प्लस फाइव सेवन, तो ये तो ऑड आ गया. और ये बोल रहे हैं सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज इवन, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इधर ऑड आ रहा है. टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सो ट्रू. टू जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है. नाउ आई क्वेश्चन, ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस टू इज अ प्राइम नंबर. ओके, सो टू प्राइम नंबर है तो ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, फॉल्स, क्योंकि इवन नंबर में टू भी है और टू क्या है, प्राइम नंबर है. कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर है टू. सो जे क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इवन नंबर, मतलब इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन होगा, सो इट इज़ राइट. अगर हम इवन नंबर लेते हैं टू एंड फोर, सो टू फोर ज़ा एट एंड एट इज़ ऑल्सो इवन, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर. ओके, 13 और 31 को क्या बोल रहे हैं, प्राइम नंबर हैं. बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट 1 and 3. ओके, इसके पास भी 1 और 3 है और इसके पास भी 3 and 1 है, तो दोनों के डिजिट सेम है 1, 3. फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100. ऐसे ही सेम पेयर के आप नंबर देखिए, प्राइम नंबर कहाँ तक, 100 तक. सो द प्राइम नंबर विथ सेम डिजिट अप टू 100 आर एज फॉलो. एग्जाम्पल एज 1, 7 and 7, 1, 17 and 71. इसमें भी 1 और 7 है, इसमें भी 1 और 7 है. 37 and 73. इन दिस ऑल्सो 3 and 7 डिजिट्स आर देयर. 79 and 97, यहाँ 7, 9, यहाँ 9, 7. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20. वी हैव टू राइट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20. सो फर्स्ट आई विल शो यू प्राइम नंबर लेस देन 20. सो प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. प्राइम नंबर क्या आते हैं, जो खुद ही के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं. सो 1 to 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो हमारे यही होंगे. 2 भी 2 के टेबल में ही आते हैं और 1 के, 3 भी 3 के टेबल में आते हैं और 1 के. सेम वे 5 भी 5 के टेबल में आता है और 1 के. लाइकवाइज 19 तक. नाउ आर दिस आर द कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20. हमको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर बताने, तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 12, 14, 15, 16 and 18 आर द कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20. अब कॉम्पोजिट नंबर क्या था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर. ओके, इन सब के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, 4, 6 के, है ना. जैसे 1 है, 4 का फैक्टर 1, 2, 4, तो 3 फैक्टर हुए 4 के. सेम वाइज 6 के भी ऐसे ही होंगे, 8 के भी ऐसे, मोर देन टू फैक्टर्स, सो दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर. दिस नंबर लाई बिटवीन 1 to 20. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10. ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है 1 और 10 के बीच में. सो पहले तो प्राइम नंबर देखो कौन कौन से 1 और 10 के बीच में. 2, 3, 5 and 7 आर द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10. कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 and 7. और इसमें से अब ग्रेटेस्ट बता दो कौन सा है. 7 है ग्रेटेस्ट, सब में से 2, 3, 5 में से बड़ा कौन सा नंबर है, 7 है. तो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अमॉन्ग देम. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स. इस 44 नंबर को हमको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जब हम ऐड करेंगे
एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, ऑड प्राइम नंबर से हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 44. सो ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, 3 + 41 विल बी द ऑड प्राइम नंबर. व्हेन वी विल ऐड वी विल गेट द आंसर 44. सेम वे सेकंड क्वेश्चन है 36. सो 5 + 31 विल बी 36. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दो और हैं, वो आप अपने आप ट्राई करिएगा. सेवेंथ क्वेश्चन है, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2. अपन को 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर बताना है जिसका डिफरेंस है 2. मतलब प्राइम नंबर क्या हुए, देखो रिमार्क में क्या दिया है, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. इसको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स. तो 3 पेयर्स, पहला पेयर है 3 and 5. 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2. तो इसका डिफरेंस 2 है, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस. 5 - 3 2. सेम वेज 5 और 7 का पेयर बना, जैसे 7 में से 5 गया तो 2, 13 में से 11 गया तो 2. तो डिफरेंस इनका आना चाहिए 2. और ये 3 प्राइम नंबर्स हैं. नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम. इनमें से बताओ कौन सा प्राइम नंबर है. ए मैं आपको बताती हूँ 23 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके. प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बोला था, 1, और वो ही नंबर होगा तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर. सो 23 का हम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे, 1 × 23 = 23, 23 × 1 = 23. देयरफॉर 23 हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सो इट इज़ प्राइम नंबर. इसलिए हम 23 को कहेंगे प्राइम नंबर. एट क्वेश्चन है, इसमें से हमको बताना है कि कौन से प्राइम नंबर हैं. सो फर्स्ट वन इज़ येस इट इज़ अ प्राइम नंबर. नाउ सेकेंड वन विल ऑल्सो आई विल डू फॉर यू, दिस 2 विल बी होमवर्क. सो सेकेंड वन 51 देखो, 1 × 51 = 51 एंड 3 × 17 भी 51 आता है. सो यहाँ पे 2 तो फैक्टर नहीं हुए, 1, 3, 17 और 51 4 हो गए. देयरफॉर 51 हैज़ 4 फैक्टर्स. व्हाट आर दे, 1, 3, 17 एंड 51. हैंस इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 4 फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100. वी हैव टू राइट कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम. सो हाउ वी विल राइट 7 कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 89 and 97. सो बोथ विच आर प्राइम नंबर आर 90. इन दोनों के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96. सो नंबर 90, इसके फैक्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15 एंड 18. दिस फैक्टर हाउ वी हैव टू फाइंड, आई हैव टॉट यू इन एक्सरसाइज 3.1. सो मैंने अभी डायरेक्टली कर दिया है. सेम वे 91 के फैक्टर निकाल लेंगे तो 1, 7, 13, 91 आएगा. 92 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 93 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 94 के, 96 के फैक्टर्स हम निकाल लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. वी हैव टू शो द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. ओके, 3 ऑड प्राइम नंबर को हमको ऐड करना है कि हमारा आंसर आए 21. फर्स्ट वाला मैं आपको बताती हूँ. देखो 3 + 5 + 13 दे आर ऑड प्राइम नंबर्स. व्हेन वी विल ऐड वी विल गेट आंसर 21. सेम वे फॉर 31, 3 + 5 + 23 = 31. सी एंड ई यू ट्राइड बाय योरसेल्फ. 11th क्वेश्चन, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5. हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 + 7 = 10. सो 11th क्वेश्चन है, द 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5 आर. डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, मतलब जो सम आएगा आंसर आएगा. सो 2 + 3 = 5 आया. प्राइम नंबर्स हैं दो, उनको 2 + 13 = 15, 3 + 17 = 20, 7 + 13 = 20, 19 + 11 = 30, एंड दिस ऑल आर द डिविजिबल बाय 5. नाउ 12th क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर. ओके, हेयर आंसर विल बी प्राइम नंबर.
अ बी क्वेश्चन, अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड, मोर देन टू फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर. सेकेंड आंसर इज कॉम्पोजिट नंबर. थर्ड इज वन इज नाइदर डैश नॉर डैश. वन क्या है, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू. द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर. द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज टू. ओके, नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 3.2. दिस 3.4 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स आई विल बी टीचिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.